नमस्कार और आप देखें पल पल। देश की राजधानी इन दिनों फतेहाबाद जिले के लिए भी परेशानी का सबब बनी हुई है। अब तक सेफ माने जाने वाले फतेहाबाद शहर में भी कोरोना ने दस्तक दे दी। दिल्ली से लौटी एक युवती कोरोना पॉजिटिव मिली है, जबकि फतेहाबाद के गांव चंदर निवासी एक व्यक्ति को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दोनों ही हाल ही में दिल्ली से लौटे थे और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनकी सैंपलिंग ली गई, जिनकी रिपोर्ट इस समय पॉजिटिव आई है और रिपोर्ट आने के कारण स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया। दोनों लोगों को घरों के आसपास कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया, जबकि साथ लगते इलाके में बफर जोन व कन्वर्ट किया गया। लड़की दिल्ली में एक निजी कंपनी में काम करती है, जबकि चंदन निवासी व्यक्ति निजी बस में ड्राइवर है। पिछले दो दिनों से जिले में दिल्ली से लौटे हुए 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। शहर में कोरोना पॉजिटिव मिलने की सूचना मिलते ही लोगों में हड़कंप मच गया। देर रात तक लोग मीडिया कर्मियों को फोन पर स्थिति के बारे में पूछते रहे। वहीं प्रशासन ने भी बिना किसी देरी के युवती के आसपास और युवती के घर के आसपास में पूरा पहरा लगा दिया। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। वहीं पॉजिटिव पाए गए दोनों लोगों को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। इससे पहले दिल्ली से लौटे 3 लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जो इस समय अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। उसके बाद दोनों ही दिनों में नए 5 केस सामने आ चुके हैं। अब मरीजों की संख्या कुल मिलाकर 7 हो चुकी है, जो पूरे जिले के लिए चिंता का विषय है। पल पल फतेहाबाद से राजेश फांबो की विशेष रिपोर्ट। सर, एक कोरोना पॉजिटिव आया है अपना रितेश जी साइड में, तो क्या कहना चाहेंगे? एक तो डॉक्टर कुलवंत सिंह है, ये पॉजिटिव आई है, जिसका इलाज अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिट करवाया, वहाँ अंडर ट्रीटमेंट और ऑब्जर्वेशन है। बाकी जो उस एरिया को हमने पूरा कंटोनमेंट जोन में कन्वर्ट कर दिया है, फोर्स लगा दी है। जो आस पास का एरिया है तो बफर जोन में कन्वर्ट किया गया है, तो किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट यहाँ पर नहीं होगी। कहाँ से आए थे ये लड़की जो? ये दिल्ली से हमारा बयान हुआ है। कब आए हैं, कितने दिन हो गए? 27 तारीख। तो सर, किस प्रकार की सुरक्षा की गई है पुलिस की तरफ से? सुरक्षा तो नाकाबंदी कर दी गई है जी, और सभी जो लोगों को समझा दिया गया है, अभी कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आएगा अपने गाँव से। इसकी कल रिपोर्ट आई है ना? उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था वगैरह की गई है? व्यवस्था इनके पास है, बाकी जो जिसको आवश्यकता पड़ेगी उसको ये प्रशासन उपलब्ध करवाएगा। इसलिए कितने पॉजिटिव आए सर जिले में अब तक? जिले में एक ही है, पूरे शहर में। ठीक है। हमारा ये जो इंद्रपुरा मोहल्ला है फतेहाबाद शहर का, यहाँ एक लड़की है एकता, उनके पिताजी का नाम है कुलवंत सिंह और वो 23 साल की है। वो दिल्ली से आई थी 27 तारीख को, वो कोरोना पॉजिटिव घोषित हुई है। उसके मद्देनज़र हमने ये कंटेनमेंट जोन बनाया जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, इसमें हमने लगभग 20 घर लिए हैं और यहाँ से लेके संन्यास आश्रम से आगे रतिया चुंगी तक हमने बफर जोन बनाया है, उसमें लगभग 700-800 के करीब घर हैं। तो हम इन सब का सर्वे करेंगे
और वैसे इस शहर में अभी तक हम सर्वे 3 बार कर चुके हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन ये लड़की दिल्ली से आई थी इसलिए ये कोरोना पॉजिटिव मिली है। सर सुनने में आया इसके साथ कोई लड़का भी आया जो इसको छोड़ के और चला गया वापस? इनके साथ एक लड़का आया वो भी पॉजिटिव है ना? ड्राइवर भी पॉजिटिव, और एक इनका भाई आया था उसका सैंपल हो चुका है, वो वापस नहीं गया। यही तो सर अब तक कितने कोरोना पॉजिटिव यहाँ फतेहाबाद शहर में? फतेहाबाद शहर का ये एकमात्र पॉजिटिव केस पहला ही निकल गया। कहाँ का सर ये? ये इंद्रपुरा मोहल्ला ये सामने ही गली है, इसमें है ये बुलवंत अरोड़ा की लड़की है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और अपील करना चाहूँगा कि हमारी जो जनता है ना वो हमारा जरूर सहयोग करें, चाहे वो पुलिस वाले साथी हों, चाहे वो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथी हो। देखो हम इस गर्मी में पब्लिक के लिए हैं, तो पब्लिक से हम भी आशा करेंगे वो हमारा सहयोग करें।